तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक आसान सा वजीफा लाए हुए, एक आसान सा अमल, एक इतना आसान अमल जिसे करके आप जिन्नात से दौलत हासिल कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के बाद आपके पास बेशुमार दौलत होगी, सिर्फ आप इस वजीफे को करें। वजीफे को मुस्लिम गैर मुस्लिम, औरत मर्द दोनों कर सकते हैं। खास करके ये वजीफा मेरी बहनों के लिए, मेरी बहनें इस वजीफे को लाजमी करें। काफ़ी दिन से मेरी मजबूर बहनें, जिनके शोरों के कारोबार नहीं थे, जो बेचारी हालातों की वजह से बहुत परेशान थी, उनके फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सब हमें कोई वजीफ़ा बताएं जिससे हम दौलतमंद बन सकें। तो इस वजीफे को करके आप दौलतमंद बन सकते हैं। तो वीडियो आपने गौर से सुननी है, बिल्कुल इसी तरह आपने इस वजीफे को करना है जैसे मैं आपको समझाऊँ, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो बिना टाइम जाए कि मैं आपको आज का वजीफा बता दूँ। वजीफा बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे शोर वजीफे आप तक पहुँचते रहे। और जो बहन भाई मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मेरी उन बहन भाई से गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने रिश्तेदारों तक, अपने बहन भाइयों तक, दोस्त अहबाबों तक, रिश्तेदारों जितने भी हैं आपके, उन तक इसको शेयर करें। जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उन तक लाजमी शेयर करें। देखें, जैसे आप परेशान हैं ना, तो ऐसे और भी आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई इसी तरह परेशान हो सकते हैं। आप खुद को अपनी जगह पे रखें और फिर उनके बारे में सोचेंगे, यार वो कितने परेशान होंगे अगर हम इतने परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों को ना अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ, दिल से प्यार करता है। अल्लाह ताला कहता है कि यार मेरी मखलूक का ख्याल कर रहे, ये इंसान हो के मेरी मखलूक के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं खुदा हो के इनके बारे में ना सोचूं। जितना हो सके दूसरों को फायदा पहुंचाएं, दूसरों तक वीडियो को शेयर करें। यकीन करें, अल्लाह पाक के पास जो इंसान जाता है ना कि अल्लाह मुझे दे, अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि नहीं है। अल्लाह कहता बस सब्र कर। अल्लाह ताला इंसान से सिर्फ एक ही लफ्ज कहता है कि तू सब्र कर, बस दुनिया की हर चीज में तुझे दूंगा, बस सब्र कर। और जो इंसान सब्र कर लेता है ना, मैं कहता हूं दुनिया की हर चीज अल्लाह उसके कदमों में रख देता है। अल्लाह पाक अपने बंदे को मायूस नहीं करते। अगर अल्लाह पाक से, अल्लाह का बंदा जो है ना, सच्चे दिल से मांगे ना, तो कभी अल्लाह ताला मायूस नहीं करते उसे, उसे बहुत नवाजते हैं। तो आज के वजीफे, आज के अमल को दिल से करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छी सोच, अच्छी नीयत से करें। इस नीयत, इस सोच से करें कि अगर मेरे पास दौलत आ जाती है तो मैं दूसरों की मदद करूंगा या करूंगी, अपनी भी मदद करूंगा या करूंगी, तभी आपको इस वजीफे में कामयाबी मिलेगी, तभी आपके कदमों में दौलत होगी। तो सबसे पहले ये आपको स्क्रीन पर नक्श नजर आ रहा होगा, इस तरह आपने नक्श लिखना है बिल्कुल इसी तरह। और इसके नीचे आपने जितनी भी आपको रकम की जरूरत है, आपने उतनी रकम यहाँ पे लिख देनी है। इतना करने के बाद आपने किसी भी एक जगह पे जमीन के अंदर खड्डा खोदना है, उसी जगह पे इस तावीज को आपने दफन करना है, और साथ में आपने थोड़े से पैसे दफन करने हैं, चाहे 10-20 या 1 रुपया कर दे, उससे कुछ भी नहीं, जितने मर्जी कर दे, उसी जगह पे दफन करें। और फिर कम से कम 3 दिन के बाद, 3 दिन बाद आप उसी जगह को खोदें, वहीं पे आपने जितने पैसे लिखे होंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि तावीज आप किसी भी पेन मार्कर से लिख सकते हैं, जो नक्श मैंने आपको बताया है। बहुत आसान अमल, बहुत आसान वजीफा है। एक जिन्नात वहां पे आएगा, आपकी दौलत रख के चला जाएगा, आप जितनी दौलत उससे मांगेंगे।
शर्त यह है वजीफे को दिल से करें, अच्छी सोच अच्छी नीयत से करें। और इस वजीफे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये वजीफा किया है तो आपको दौलत मिली है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, किसी से जिक्र नहीं करना इस बारे में आपने। तो इस वजीफे में कुछ बहन भाइयों को कामयाबी भी मिली है, कुछ को नाकामी का भी सामना करना पड़ा है। तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं इस वजीफे को करके, इंशाल्लाह करें, पूरे यकीन के साथ करें, कामयाबी आपको मिलेगी। कम से कम 5 लाख लोगों को करवाया, जिनमें से 4 लाख लोगों को कामयाबी मिली, 1 लाख लोगों को कामयाबी नहीं मिली इस वजीफे में। देखिए जो बातें मैं सीधी करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको भी कामयाबी मिली, करें नहीं, जिसने करना है वो करे, इंशाल्लाह अच्छी सोच से इंसान करे ना उसे कामयाबी लाजमी मिलती है। मैं 2 नंबर बात नहीं करता, जो बात है अभी आपके सामने सीधी की है। बाकी जो बहन भी मजबूर है, जिनका कोई मसला मसाइल है, वो मुझसे रब्ता करें। आपको जिनात की हाजिरी चाहिए, आपको परी की हाजिरी चाहिए, आपको जो है ना कोई भी आपका काम है, बंदिश, रुकावट, कारोबारी मसला, कोई भी मसला मुझसे हल करवा सकते हैं। अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आप मुझसे रब्ता करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।